पहला एमसीक्यू है आपका कि भारत के संविधान का भाग चार स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। मतलब भारत के संविधान का भाग चार स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। ऑप्शन सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो अब देखो भाग चार में कौन कौन सा है। तो भाग चार में आपका सामान्य कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39, ठीक, उसके बाद धन नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, यह है आपका कौन सा आर्टिकल 42। अब आ जाओ आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, आजीविका के पर्याप्त साधन है ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 43। और उसके बाद धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, तो कौन सा अधिकार नहीं देता, सी नंबर का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, इसके बारे में भाग चार में वर्णन नहीं है, ठीक। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश तत्वों के नीति राज्य के नीति निर्देश तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज किससे है, आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 किस में आएगा आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएगा, ठीक है। तो किससे संबंधित है ये, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य दिवस किस दिन मनाने की वर्मा कमेटी द्वारा सिफारिश की गई थी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो मैंने बताया है कौन सा जनवरी, 3 जनवरी को सिफारिश की गई थी वर्मा कमेटी के द्वारा कि हमें हर साल 3 जनवरी को क्या मनाना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज मनाना चाहिए, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत आपका चल देगा गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने ही कहा था कि अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें प्रशासन कहाँ से शुरू करना चाहिए, ग्रामीण निचले स्तर से करना चाहिए। तो गांधी जी के ही सपने को पूरा करने के लिए नेहरू जी ने क्या किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसी के तहत ग्राम पंचायत एवं पंचायत सबके बारे में बात कही गई थी, क्लियर। तो गांधीवादी विचारधारा में आता है आपका आर्टिकल 40, ठीक, ओके, चलो ठीक। उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, समता का अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा, धन का केंद्रीकरण, क्योंकि आर्टिकल 39 याद रखो, आर्टिकल 39 बोलता है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, मगर कभी कभी धन का क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, तो इसके तहत किस में आएगा ये, राज्य के निदेशक तत्वों में आएगा ये, ठीक, कि सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है, तो ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल में है, ग्राम पंचायत है आर्टिकल 40 में, ठीक। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 50 शक्ति का विभाजन, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन, ठीक, और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में बोलता है, क्लियर है। क्वेश्चन, फिर उसके बाद किस वर्ष मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया, 77, 78, 79, 76। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को किस में शामिल किया गया, संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके संविधान से अधिकृत किया गया है, फ्रांस, कनाडा, यूएसएसआर, ब्रिटेन। यूएसएसआर को ही क्या बोला जाता है, रूस बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया, आंसर इज सी। आप लोग सोच, किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, सहायोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो किसकी समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कहा गया कि मूल कर्तव्यों को किस में शामिल करो, संविधान में शामिल करो, क्लियर। पर्यावरण तथा जीव जंतुओं का संरक्षण कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 5वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, भाईचारा बंधुता बनाना, ठीक। 6वें नंबर का परंपरा संस्कृति के बारे में बात करता है, ठीक। 8वां नंबर वैज्ञानिक विधि के बारे में बात करता है, और 7वां नंबर बोलता है किसका, पर्यावरण का संरक्षण बोलता है, ठीक है, कौन से नंबर का, 7वें नंबर का, क्लियर।
you